Hey guys, subscribe to my channel और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna और in this video मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बायोटिक बायोकोकोनट व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम। तो आप मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि ये जो व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम है वो कैसी है। मैं इस क्रीम के जो रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल यूज के बाद में मैं आप लोगों के साथ एकदम ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि ये क्रीम कैसे वर्क करती है, इसे कैसे यूज में लेना है, मैं आप लोगों के साथ में डेमो भी शेयर करूंगी। सो गाइज, यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ बायोटिक बायो कोकोनट व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम, जिसका प्राइस है 199 रुपीज, जिसमें आपको मिलता है 50 ग्राम प्रोडक्ट और ये इजीली आपको डिस्काउंट के साथ में 170 रुपीज 180 रुपीज में इजीली मिंत्रा अमेजोन नायका पे अवेलेबल है। आप लोग इसे वहां से परचेस कर सकते हैं। और ये जो क्रीम है बेसिकली मिलकर बनी है कोकोनट से और ये एकदम बायोटिक का जो ब्रांड है वो आयुर्वेदिक है 100%, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है। प्लास्टिक बॉटल के अंदर ये आता है और ये जो क्रीम है वो नॉर्मल स्किन टोन वालों के लिए, या मैं बोलूँ कॉम्बिनेशन स्किन टोन वालों के लिए या ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। ऑयली स्किन वाले इसे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ऑयली स्किन वाले इसे विंटर में यूज कर सकते क्योंकि ये थोड़ा ग्रीसीपन देती है, और जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है या जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है तो मुझे काफी अच्छी लगी ये। इस टाइप से ये ओपन होती है और इस टाइप से ये आती है। तो ये जो क्रीम है गाइज, ये बहुत अच्छी क्रीम है। आप इसे जब अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के बाद स्किन में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाती है, एक तरीके से फेस को नरिश करती है। और मैं व्हाइटनिंग का मैं आपको बोलूंगी कि मुझे एकदम नॉर्मल लगा। मे भी हो सकता है मैं उन दिनों काफी ट्रैवलिंग करी थी तो मुझे नॉर्मल लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डार्क स्किन हो वो एकदम से महीने भर यूज करके और एकदम गोरे बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम नॉर्मल स्किन को व्हाइट करती है। यूँ कहूँ कि आप अगर 80% अगर आपका डार्क है तो वो आपकी स्किन को 90% कर देगा बट 100% नहीं करेगा। मुझे ये एकदम नॉर्मल लगी। हाँ, बट इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है। मैं आपको इसका डेमो दिखाऊंगी तो आप में पता चल जाएगा, इसका टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है और ये जो है क्रीम स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, नॉर्मल वाइट करती है और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेकार है, उनको ग्रीसीपन लगेगा तो वो विंटर में इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये बायोटिक की कोकोनट व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। आपको इस तरीके से लेना है, काफी टाइट और काफी स्मूथ और थोड़ा सा मोटा इसकी थिकनेस बोल सकते हैं इस तरीके से, और 2-3 मिनट बाद में स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इतनी सी अमाउंट में क्रीम लेनी है और मैं इसे इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करके बताऊंगी। तो जितना अमाउंट मैंने आपको दिखाया वो मोर देन इनफ होता है। आप चाहे तो इसे नाइट में या फिर मॉर्निंग में जब आप चाहें तब आप इसे लगा सकते हैं। इस तरीके से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है, आप देख सकते हैं। और जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो बहुत ही लाइट फील होगी और जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनको भी 2 मिनट बाद सारा जो भी ये क्रीम है वो अब्सॉर्ब हो जाएगी स्किन में और नॉर्मल फील होएगा। लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए मैं मना करूंगी कि ये क्रीम यूज ना करें। इस तरीके से ये नॉर्मल लगती है, कोई बहुत ज़्यादा वाइट इफेक्ट नहीं देती है, एकदम नॉर्मल लगती है। आपको ये क्रीम जो है फेस वॉश करने के बाद में अप्लाई करनी है। आप चाहे तो एक दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हो, नेक एरिया पे अप्लाई कर सकते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोगों के लिए ये मेरा जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज, बाय बाय।